गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया। और हमारा बुधवार का दिन शुरू हो चुका है, जय गणपति बप्पा। तो बस बुधवार का दिन 31 जुलाई, जुलाई महीना का लास्ट डे है आज, और आज है 11। तो फ्रेंड्स, 11 का दिन है, तो अभी थोड़ा ही दिन है श्रावण महीना में। तो फ्रेंड्स, बस सुबह सुबह मैंने दूधी चना का साग कल के लिए चाहिए, तो आज ही चने भिगो दिए हैं मैंने। और आज तो मग बनेंगे, बुधवार है तो रात को मग बनाएंगे। और मैंने कल खमन का बैटर जो रेडी किया था ना, ये देखिए मस्त हो चुका है, तो उसको बाद में बना कर रख दूंगी, तो बाद में नाश्ता हो सके उसका संडे के लिए। आप सोच रहे होंगे बुधवार के दिन संडे का, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा बिजी जाने वाला है, इसीलिए अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है, क्या करें अभी। तो बस, और इडली का बैटर तो मैंने फ्रिज में रख भी दिया है, पर आज सोच रही हूँ कल करने वाली थी पर टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो आज शायद मैं फ्रिज का थोड़ा सा क्लीनिंग वो सब करूँगी, तो क्योंकि थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। मैंने थोड़े ग्लास के दूसरे 2-3 मेरे पास वो थे, वो भी निकाल लिए हैं, क्योंकि खमन वो सब रखने के लिए चाहिए इसलिए। तो बस फ्रेंड्स, उसको भी धो के रख दिया है। ऑफकोर्स आप जब भी कुछ नया यूज़ करो तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, लास्ट टाइम ये मैंने लिए थे कॉस्को से, और बहुत ही अच्छे ग्लास के हैं, ये देखिए है ना, वॉश करके रखे हैं अभी, तो ये अच्छे रहते हैं। ग्लास की चीज़ें है ना अच्छी होती है, थोड़ा यूज़ करें तब हमें संभाल के करना पड़ता है, पर अच्छा होता है जब आपको कुछ भी रखना होता है तब, क्योंकि ग्लास और दूसरा सिरामिक कुछ भी वो अच्छा रहता है कंपेयर टू प्लास्टिक। तो बस फ्रेंड्स, चाय नाश्ता करूँगी, अब भी जस्ट बैठी हूँ, तो चाय नाश्ता करके सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ मैं। तो क्या होता है कि शाम को शायद मुझे थोड़ा टाइम ना भी मिले ना, तो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में वॉक करके आके फिर एक्सरसाइज करती हूँ घर पर आकर, उसके बाद अपना जो भी रूटीन होता है वो शुरू करती हूँ। तो उस तरीके से दिन की शुरुआत होती है मेरी मस्त। मॉर्निंग में वॉक करना, उससे है ना हमारी हेल्थ वो सब भी बहुत ही, मतलब ऑफकोर्स हमारी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी ना, तो उससे काफ़ी कुछ बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं और जनक को फ़ोन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, 12:15 हो चुके हैं और मैं एज यूजुअल किचन में ही, अभी तो किचन मेरा दूसरा घर हो गया वैसा है, तो बस हाँ घर के अंदर ही है ना पर्सनली क्या। हाँ तो बस फ्रेंड्स, खमन बनाने कल जो मैंने बैटर रेडी किया था, आज सुबह निकाल के रख दिया था, तो मस्त ओवन में रखा था, फिर भी बहुत ही मस्त हो गया। तो गर्मी पे मत जाओ, क्योंकि किचन बहुत सारे सब कुछ चल ही रहा है वन बाय वन मेरा। तो इस तरफ मैंने दूधी चना बन रहा है मेरा, इस तरफ मस्त गर्मा गर्म खामन, ये देखिए दोस्तों मस्त खामन भी बन चुके हैं ऑलमोस्ट, तो गैस बन ही चुके हैं। इसके बाद मेरा लंच एंजॉय करूंगी, और शक्कर रेडी जो कल काटी थी ना जनक ने, वो खाऊंगी मैं, और बाद में थोड़ा सा शुरू करती हूँ। मोस्टली कल मैंने थोड़ा बहुत ही बना ही दिया था, तो आज मुझे थोड़ा रिलैक्स है, और थोड़ा सा क्लीनिंग है वो भी शुरू करती हूँ बाद में, तो वो सब मस्त अच्छे से। घर को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है, घर को क्लीन रखिए, खुद क्लीन रहिए, सब कुछ क्लीन रखो। जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ क्लीनिंग होती है, मतलब सब अच्छा होता है ना, वहाँ महादेव खुशी से आते हैं, लक्ष्मी माता खुशी से आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज घर को क्लीन रखिए, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दिवाली आए तभी सब साफ सुफ करने बैठो, सब कुछ ऐसे मस्त क्लीन होना चाहिए, तो सब खुश। So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back. तो फ्रेंड्स, खमन भी बनकर रेडी, ये देखिए मस्त बने हैं। और ये सब चीज होती है ना जो आठे वाली होती है, उसमें है ना फ्रेंड्स जालिया होना बहुत जरूरी होता है। अगर जालिया बनी ना, तो समझ लीजिए कि आपकी डिश परफेक्ट। तो पहले मुझे भी नहीं आता था, पैकेट ही लाती थी तैयार वाले, उससे ही बना कर खाते थे, खट्टे आते थे वो थोड़े, पर अभी क्या ही करना, बनाना आता हो तो जो भी मिल गया अच्छा ही लगता है ना। पर जब से ये आ चुका है ना, तब से अभी ना ही पैकेट पसंद ना कुछ और पसंद, ये देखिए फ्रेंड्स है ना जाली,
मैं इस चाली की बात कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, खमन बनकर रेडी। खमन भी बन चुके हैं मेरे दो बाउल भरकर। तो बस अभी इसको भी थोड़ी देर में फ्रिज में रख दूंगी, और थोड़े से मैंने साइड पर रखे हैं ताकि जाना टेस्ट कर सके, क्योंकि वेडनेसडे। तो बस चलिए अभी मैं अपना लंच टाइम एंजॉय करूंगी। कितने बजे? 1:15 हो चुके हैं, 1:45। तो अभी जाकर मुझे जो शक्कर लिटिकल काटी थी, ये वाली मेरा वाला बाउल, तो मैं ये खाऊंगी। और मैंने ब्लाइंड बंद कर दी है, धूप है आज वापस से। तो बस चलिए लंच करते हैं और जनक को फोन करती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। सुबह से वेट करते 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 5 बजे अभी ये आए हैं। ये देखिए, और वो बहुत थक चुके हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ मस्त सा मैंने आलू परोठा बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मस्त चीज़ डाल के आइडिया की भी लगी जो मारो दाणो जोरदार लगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा धनिया। तो बस ये आए उतने में तो मैंने चाह सब कुछ इधर रेडी, आज तो उनको सब बस कुछ बना दिया। और शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सब कुछ बना कर रेडी, आज कल परसों तरसों चौथों जो भी आए सब कुछ रेडी है फ्रेंड्स। और आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं काम बहुत किया उसकी वजह से या रियल में ही गर्मी ज़्यादा है। और मेरी हालत देखो, इतना माटेज। और गरम गरम सब कुछ बनाया होगा इसलिए, वो भी होगा ना, पूरा दिन लगे पड़े होंगे, गैस बंद नहीं किया होगा। काम बहुत होता है मुझे, बहुत बिजी हूँ मैं, तो मैंने फ्राई कुछ भी नहीं किया आज, फिर भी इतना गर्मी है। हाँ तो चलिए दोस्तों, चाय नाश्ता करते हैं और थोड़ी इनके साथ गपशप की जाती है। थोड़ा सा टाइम दो मुझे। हाँ थोड़ा इनको टाइम देने में आएगा, इनका सुना जाएगा। कंटाल चुके हैं वो अभी, तो पूछने में आएगा। आप आलू परोठा मस्त एंजॉय कीजिए और मैं उनका सुनती हूँ थोड़ी देर। आपने ये इस तरीके से क्यों बाकी रखा है, मुझे तो समझ नहीं आया इसका। वो है, आराम से खाएंगे। उसमें आपने मस्त सजाया है ना, उसको खाने की इच्छा नहीं हुई। धनिया आपको पसंद आ गया? हाँ। तभी आप सोच रहे फ्रेम लगा के उसको इधर लगा दे। हम ऐसे ऐसे चबाया है साइड पे से और ऐसे ही फ्रेम बना देंगे। है ना, मस्त आइडिया किसकी है। देखा दोस्तों, अभी वो क्या बोलते हैं, शेफ लोग करते हैं ना खाना बनाने के बाद उसको ऊपर से लगा देते हैं गार्निशिंग। हाँ, गार्निशिंग वो जरूरी होता है दोस्तों, गार्निशिंग। तो अभी हम एक खाने की बात कर रहे थे कि जब हम बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी डिश होती है ना दोस्तों, उसमें इतना ही आता है, उसके अंदर बस इतना ही होता है। तो वो कैसे खाएंगे हम? तो उसके ऊपर से सब रखा होता है और सब फिर ऐसे फोक नाइफ से ऐसे करके खाते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं और कैसे पेट भरते हैं। इतना तो हम चखने में ही निकाल देते हैं। पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं एक बार गई थी एक मुंबई में एक रेस्टोरेंट, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट थी, और मैंने मेरी लाइफ की पहली रोटी खाई थी 250 रुपीज़ में। 250 रुपीज़ की एक चपाती थी सब, वो भी आज कितने साल हो गए, शायद आई थिंक 9-10 साल हो गए। तब मैंने मुंबई में एक रेस्टोरेंट में खाया था 250 रुपए की एक रोटी, और उस रेस्टोरेंट में सब ऐसा ही खा रहे थे, बड़ी बड़ी डिश में इतना छोटा सा ऐसे ऐसे नाइफ और वो सब के साथ, और मैं अपना पूरा टेबल सजा के बैठी थी सब्जी चपाती राइस सब के साथ। मुझे पर ऐसा अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट के हिसाब से ही खाना चाहिए, कभी कभी ऐसा लगता है हर जगह है ना, हर जगह पे हम अपना लेकर बैठ जाते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता है, उसमें मजा नहीं आता। हाँ, उसमें फिर है ना एम्बरेसिंग जैसा होता है, बेइज्जती बेइज्जती जैसा लगता है हमें।
तो रेस्टोरेंट के हिसाब से फिर खाना मंगाना चाहिए। यस, खुद को भी जाना चाहिए। तो तब मैंने उस दिन सीखा था ये, और जाना भी चाहिए तो हमें पता भी चलता है, राइट? मैंने हाँ, हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाना भी चाहिए ताकि हमें सब पता चले। चलिए, अभी तो फरारी जा रहा है रेस्टोरेंट बाद में। और आपको खमन कैसे लगे हैं? अच्छा। आज खमन में थोड़ा ऐसा हो गया है कि मैं ऐसे वो ग्रीन चिली, वो छोटी वाली आती है ना, वो तीखी होती है, वो लाते थे राइट हम। आज वो बड़ी वाली थी ना, तो मैंने वो हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाला था, तो थोड़ा सा मिर्च कम पड़ गए है ना, क्योंकि वो मुझे ख्याल नहीं आया, वो मिर्च थोड़ी सी ओछी तेज नहीं है। हाँ, वो उतना धारदार नहीं है जो तीर मारे वैसा। तो चलिए, थोड़ी देर बैठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर चलते हैं। और मैंने अभी ओट्स को रखा है, बाद में आज ओट्स लगाने में आएगा। ये रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हो भाई? ऐसा होता है, कभी कभी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, 6:30 हो गए और हम निकल आए हैं वॉक करने के लिए। आज एटमॉस्फेयर थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि आप देख ही सकते हो धूप है, तो बस आज धूप निकली है। पर अब ये थोड़े दिन रहेगा, थोड़े दिन में ऐसे भी अभी फॉल सीजन शुरू होगी, तो फिर अच्छे से थोड़ी ठंडक हो जाएगी, फिर देखते हैं कहीं जाने का कुछ प्लान करें कि अच्छा सा, है ना, ठंडक में। अभी ये सीज़न में तो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि गर्मी ही इतनी लगती है बाहर। तो चलिए, जिम पर आ गए, अच्छे से वर्कआउट करके फिर निकलते हैं घर के लिए। देखते हैं अंदर आज कैसा है, दिख तो रहे मुझे, 4-5 तो बाहर से ही दिख गए हैं। आज आ गए फ्रेंड्स वर्कआउट करके, और आज तो कोई फ़ोटोशूट करने के लिए भी आया था वहाँ पर, क्योंकि कुछ पता नहीं, सब कैमरा वो सब सेट किया हुआ था, तो शायद लगा कि जनक बोल रहा था शायद हम बहुत फेमस हो चुके हैं, हमारा फोटोग्राफी, हाँ क्या पता न्यूज़ में आ जाए। हाँ, तो शायद न्यूज़ चैनल देख लें, शायद हम आ भी जाए। तो बस, और पता नहीं यहाँ पर है ना जिम में टीवी रखा, एक अलग से रूम है, उसमें सब बॉल, दूसरी कुछ एक्सरसाइज है, और बड़ी सी टीवी का मतलब स्क्रीन लगाई हुई है। हाँ, तो पता नहीं सब बच्चे हमारे इंडियन देसी, साउथ इंडियन है शायद, तो बच्चे वहाँ आके उनके सीरियल वही सब देखते रहते हैं। हैं, जब भी हम निकलते हैं रोज़ कोई तो कुछ ना कुछ उनकी सीरियल मूवी या ऐसा कुछ लगा होता है, बच्चे बस मज़े हैं। तो बस बहुत अच्छे से दौड़ी मैं, मैं तो बहुत दौड़ लिया, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। हाँ नहीं, अच्छे से हो गया, स्पीड में दौड़ लिया। पर आज बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है, घर जाके भी ऐसे करना पड़ता है। हाँ, और मैंने ओट्स पानी में रखे, अभी घर जाके फेस वॉश करके आज ओट्स लगाऊंगी मैं। ये भी लगाना, मुझे लग रहा है शायद है ना, मुझे बेसन से थोड़ा पिंपल जैसा होता है, देखो यहाँ पर है शायद, मैं पहले भी जब करती थी ना तब भी शायद होता था, मेरे स्किन को सूट नहीं करता बेसन, तो मत करो, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, कैंसर, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी स्किन को सूट ना भी करें, यू नो, सब अलग अलग सबका होता है। तो बस ओट्स ट्राई करेंगे अभी। और ये देखिए, आज वेदर बहुत ही गर्मी वाला। तो शाम के 7:30 हो गए, घर आ गए, फ्रेश हो गए, और आज तो ऐसे भी करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताए, उतनी ज़्यादा गर्मी है। और आज हमारे लिए स्पेशल वेडनेसडे स्पेशल में आता है हमेशा हमेशा के लिए मग। और ये क्या, इतने सारे मोमरा कहाँ से आए? ये हमारा पसीना है, ये आपका पसीना है। हाँ, तो इन्होंने पूरा, मतलब जो छुट्टियाँ थी उसमें उन्होंने पूरा ही इस्तेमाल कर लिया है। और ये देखो, इस पर जो ओनियन आए हैं वो इतनी साइज के, इतनी छोटू है, इतनी छोटू है, समझ में नहीं आ रहा कि अभी वो जो इतने बड़े बड़े देखे थे ना, वो घर के बड़े थे, अभी बच्चों की बात भी है, बच्चों ने एकदम, मतलब न्यूबॉर्न बेबी है ऐसा लग रहा है, इतना छोटे, ओह माय गॉड। और अभी इन्होंने है ना फ्रीज पूरा भर दिया है, सब सभी छुट्टियों का, इस मतलब ये आवाकाड़ो हो गए है क्या? नहीं था, मैं गया आज, चेक करा, चेक करे आज काले सब करे, ओके आई के गेलो छे ने कोई ना, रखते हो जी बराबर। अच्छा,
एवोकाडो खाने में है ना बहुत मज़ा है। इस बार थोड़े सा मतलब चीप थे तो उठा लिए दो तीन, क्योंकि है ना मुझे एक ही मतलब यहाँ के एक फ्रूट जो एकदम दिल से पसंद आया हो तो वो है एवोकाडो। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम खिलाया था और मैं इसका इस पे फिदा हो गया था। यस, तो बस अभी हम डिनर करते हैं और मस्त हमारा मी टाइम मस्त टाइम एंजॉय करते हैं। बहुत भी अच्छे से एक्सरसाइज की है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने तो बहुत मतलब थोड़ी देर में इतने पसीना निकाल दिया ना कि एकदम फिटम फिट हो गया। और हमारे बीच में वो वापस से आ गई थी, ये पता नहीं कैसे एक्सरसाइज मतलब वॉक करते करते भी मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे थोड़ा भी हाथ ऐसे गया तो सीधा मुंह पे आएगा ऐसे चपाट मार देंगे तो क्या ऐसा ही होता है। चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से मस्त जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कल है 1st अगस्त और 1st अगस्त फ्रेंडशिप डे भी है। चलिए तो कल मिलते हैं वापस, तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।